क्वेश्चन नंबर 1.15 लेते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, तो वो अलोंग एक्स एक्सिस है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है वेक्टर फॉर्म में, है ना। इसका मैग्नीट्यूड दिया है 3×10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर आई कैप दिया हुआ है। आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। आगे बोला जा रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। तो यहां पर बोला जा रहा है कि मान लीजिए एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की, ओके। जैसे मान लीजिए ये भी साइड इसकी 10 सेंटीमीटर की है और बाकी साइड्स भी इसकी 10-10 सेंटीमीटर की हैं। तो हमें बताना है इस स्क्वायर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, ओके। तो यहां पर आप देखिए, जो ये स्क्वायर है इसका जो एरिया होगा यानी एरिया वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके नॉर्मल एन कैप से हम उसको बता देते हैं। तो यहां पर आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस के अलोंग है और नॉर्मल की डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी जो एरिया का नॉर्मल है। तो यहां पर जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कहने का मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसके नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। तो स्क्वायर के नॉर्मल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसका मतलब थीटा हो गया एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। तो हमें पता है फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया एंड कॉस थीटा, ओके। अब यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी है 3×10⁻³, और एरिया क्या होगा, यहां पर देखिए स्क्वायर का एरिया, अगर हम स्क्वायर के एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ओके। और साइड कितना, यहां पर साइड है 10 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। तो यहां पर आ जाएगा 0.1×0.1 कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 0.01 मीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻²⁻² मीटर स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम एरिया की जगह क्या लिखेंगे, एरिया की जगह लिखेंगे 10⁻², और कॉस थीटा की जगह हम लिख देंगे कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहां पर आपने देखा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 3×10⁻³× 10⁻²। अब देखिए, यहां पर 10⁻³ है और यहां पर 10⁻²² है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये होगा 3×10, यानी कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहां पर फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर हो गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एंगल 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो अगर सेम स्क्वायर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इस तरीके से फिगर ड्रॉ करें और इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक्स एक्सिस के साथ जो नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो एंगल बना रही है वो बना रही है 60 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, सिंपल। तो यहाँ पर देखिए, जो हम थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा क्या होता है, थीटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, थीटा होता है नॉर्मल की डायरेक्शन, सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है। अगर यहाँ पर आपको दिया होता कि सरफेस जो है उसका प्लेन एक्स एक्सिस के साथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो भी आप थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ही लिखते, क्योंकि हमें एंगल चाहिए होता है नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो यहां पर फाई ई क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर फाई ई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, यानी ई ए कॉस थीटा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगेन हमें वही वैल्यू पुट करनी है 3×10⁻³, एरिया की वैल्यू हमने अभी ऑप्टेन की थी 10⁻²⁻², एंड आगे हम लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो जाएगा 3×10⁻², ओके। एंड इसको हम कट कर सकते हैं 10 को, ये हो जाएगा 5, और आंसर आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।